सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुम्हार के द्वारा मिट्टी खोद के लाना, फिर उसे तैयार करके मटके में एक लेप बनाना और छानना, ये जानकारी हम इसके पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि कुम्हार छानने के बाद जो मिट्टी है उसको हल्का सुखाने के बाद उसे किस प्रकार से तैयार करते हैं आगे बर्तन बनाने के लिए, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ काम करने वाले लोगों से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं उनसे। हम सर आपका राकेश जी, ये बताइए आपने इसको बनाने के लिए ये जो मिट्टी के बर्तन आप बना रहे हैं अभी, अभी ये जो चाक है इसमें रखा है, ये मिट्टी जो तैयार करें उसके लिए पहले प्रोसेस क्या करनी पड़ती है? बारीक चूर करके उसको घोलना पड़ता है। अच्छा, ये उसी प्रोसेस में जाएगी, वो प्रोसेस में जाएगी पहले, उसके बाद में स्टेप में आती है। अच्छा, हल्की सी मतलब नमी देना पड़ता है उसको। हाँ, आपने देखा है छान रहे थे उधर जी, उसको हल्का सा सेट होने दी, इस प्रकार भी बन जाती है। जी जी जी, उसको ऐसे इस प्रकार छान करके रखा जाता है, जमा करके जी मिक्स किया जाता है इस प्रकार और इस प्रकार से। आप कब से काम कर रहे हैं? बारह साल से। सबसे पहले आपने क्या बनाया था? दिए बनाए थे। ये जो मिला रहे हैं आप अभी, ये क्या है? रेत है सर, रेत। अच्छा, रेत क्यों मिला रहे हैं आप इसमें? ताकि माल जो हो खराब ना हो, इसलिए। अच्छा, ये रेत मिलाई जाती है, माल खराब होता है। माल खराब किस तरीके से? मतलब जो भी बर्तन आप बनाओगे वो फट जाता है। ये हल्का सुखाने के बाद मिट्टी को इस तरीके से स्टोर करके रख लिया जाता है। ये पैरों से रेत को उसमें मिलाया जा रहा है। रेत मिलने के बाद उसको वहां से निकाल के एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया जाता है। पुनः है मिट्टी में रेत मिलाने के बाद उसे पैरों से रौंदा जाता है ताकि अच्छे से रेत उसमें मिल सके। इस प्रकार से तैयार की हुई मिट्टी को एक स्थान पे स्टोर करके रख लिया जाता है, फिर इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ये जो मिट्टी, रेत और मिट्टी को आपस में मिलाने के बाद ये जो तैयार किए हैं, आप इसमें भी आगे कुछ मिलाएंगे क्या? फिर कुछ इसके बाद सीधे बनाया जाएगा इसको, फिर वहाँ चक्के में रख लिया जाता है ना। अच्छा, ये जो मिट्टी आप अभी, ये जो भी मिट्टी है यहाँ जो रखी है और आप जो मिला रहे हैं, ये मिट्टी आपको कितने दिन उपयोग कर सकते हैं आप इसका? ये मिट्टी सर 3 दिन उपयोग होगी। 3 दिन है ना। कितने बर्तन बन पाएंगे इसमें मिट्टी के? सर ये बर्तन जो पहले से घड़े वाले, अच्छा, इस तरीके 75 के समथिंग, इस तरीके के जो घड़े आपके दिख रहे हैं वो 70 से 75 बन सकते हैं ना। इस मिट्टी में आपने रेत मिलाया और रेत और वो लाखड़ रही थी सर, काली लाखड़, काली वाली राख जो डस्ट निकलती है ना, डस्ट को आप मिलाते हैं इसमें ना, ताकि इसमें मतलब एक दूसरे मुलायम हो जाए, मुलायम सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, है ना। ये मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स करने के बाद इस व्हील में ये रखेंगे, ये